आप भी चाहते हैं कि जो आपकी संबंध बनाने की प्रक्रिया है उससे जो पुरुष साथी है वो भी और जो महिला साथी है वो भी पूरी तरह से संतुष्ट हो और आप दोनों को बहुत अच्छा लगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो आप ये सोच रहे होगे कि मैम क्वेश्चन क्यों पूछ रही हैं। हाँ, हम सब चाहते हैं ना, राइट? तो आज इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है और आपको एक ऐसी बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ मैं जिससे आपको अच्छा लगने में हेल्प मिलेगी संबंध बनाने की प्रक्रिया में। ओके, तो वीडियो को आपको कम्प्लीटली देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। तो क्या एक ऐसी चीज़ होगी जिससे क्या है कि जो प्रक्रिया है वो अच्छी होगी? जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि जो महिला होती है उसकी जो योनि होती है उसमें सूखापन हो जाता है, तो उससे वो भी नहीं होगा, राइट? तो क्या चीज़ है वो? उसको हम बोलते हैं फोर प्ले इंग्लिश में, राइट? तो फोर प्ले का मतलब क्या होता है? फोर मतलब कि बिफोर और मतलब कि पहले, ओके? और प्ले मतलब कि कुछ खेलना, राइट? ये समझ में आया इससे? तो ये कब है? ये है जो आपकी मेन प्रोसेस है, जो आपकी मेन प्रक्रिया है संबंध बनाने की, उससे पहले का टाइम। तो बिल्कुल उस प्रक्रिया को छोड़ के अगर आप उसके पहले के टाइम पर भी ध्यान देंगे तो ही वो प्रक्रिया भी अच्छी होगी और आपका बॉन्ड अच्छा होगा, आपका साथ अच्छा होगा। तो उसमें हम करें क्या? जो प्रक्रिया होती है उससे जो पहले का समय होता है उसमें आपको करना क्या है, फोर प्ले में करते क्या है आखिर, इसके बारे में बात करेंगे और वो क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़, बहुत सारी महिलाएँ ऐसी होती हैं जिनका अराउज़ल जो पुरुष होते हैं उससे लेट होता है। अराउज़ल का मतलब यहाँ पे क्या है कि उनको क्या है कि जो एक डीप फीलिंग होती है वो लेट आती है, राइट? उनको ऐसा लगता है लेट, और पुरुष साथी को पहले ही लग जाता है। तो जो फीमेल वाली पार्टनर होता है हमारा वो प्रॉपरली संतुष्ट नहीं होता है उस चीज़ से। तो फीमेल पार्टनर के लिए क्या करे मेल पार्टनर कि उन दोनों का साथ में संतुष्टि हो या फिर ये सब चीज़ें, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना है? फोर प्ले करना है। अब फोर प्ले क्यों ज़रूरी है? फोर प्ले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ये एक प्रक्रिया होती है संबंध बनाने की, वो सिर्फ फिजिकल प्रोसेस ना होकर वो मेंटली इमोशनली भी काम करती है आपके लिए, राइट? तो जो फिज़िकल वाली चीज़ है उसको मेंटली इमोशनली जोड़ने से वो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। सबसे पहली चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई, अगर ऐसी भी किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात चल रही है तो आपको कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि आपको पूछना बहुत ज़रूरी है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपकी जो महिला साथी है वो आप में इंटरेस्टेड है, यानी वो चाहती है ये करना या नहीं। और दूसरी तरफ पुरुष के लिए भी सेम बात है कि वो चाहता है या नहीं चाहता है। जब आप दोनों चाहते हैं तब आपको ये चीज़ें शुरू करनी है विद कम्युनिकेशन, बातचीत करके प्रॉपरली। तो अब बात आती है कि फोर प्ले करें कैसे, फोर प्ले के लिए करना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपने जो रूम है उसका एनवायरनमेंट देखना है, राइट? अगर एक ऐसा रूम हो, शैबी हो, जिसमें सब कुछ गंद वंद मचा पड़ा है, उसमें ना वो वाली फीलिंग नहीं आती, वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लाइट म्यूज़िक पसंद है आप वो चला सकते हैं, आप कैंडल ब्लो कर सकते हैं, आप एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस डाल सकते हैं, थोड़ा क्लीन उसको सेटल्ड रख सकते हैं रूम को, तो वो चीज़ें करने में आसानी होगी आपको। सबसे पहली चीज़ हो गई ये, आपका जो एनवायरनमेंट है वो सेट होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है फोर प्ले। तो उसके अंदर एक्चुअल क्या है, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एक फीमेल है उसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको आप बोल सकते हैं सेंसिटिव पार्ट्स, ठीक है? सेंसिटिव पार्ट का मतलब क्या है कि जहाँ पर आप अगर टच कर रहे हैं या टिकल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो फीमेल है उसको फील हो रहा है उससे, और उसकी वजह से क्या हो रही है, जो उसकी योनि है उसमें गीलापन आ रहा है, लुब्रिकेशन हो रही है। तो उसके बाद अगर आप प्रक्रिया करेंगे तो क्या होगी, वो प्रक्रिया भी आसान होगी, योनि में सूखापन भी नहीं रहेगा, और जो आपकी फीमेल पार्टनर है वो और जो मेल पार्टनर है वो दोनों संतुष्ट हो पाएंगे, दोनों को अच्छा फील होगा। तो अब देखते हैं कि वो पॉइंट्स है कौन से जो क्या होते हैं, स्टिमुलेटिंग होते हैं, राइट? तो वो पॉइंट्स क्या हैं, ईयर हैं, जो फिंगर है उनके टिप्स हैं, पाम्स हैं, ओके, नेक वाला रीजन है, उसके बाद जो स्तन है, जो ब्रेस्ट है उसका जो निप्पल वाला पार्ट है वो रीजन है, उसके बाद नीचे जाएं तो जो योनि होती है, जो योनि है उसके ऊपर एक ऐसा पार्ट होता है स्किन सी ऊपर होती है जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस या क्लिट, वो वाला रीजन है। उसके बाद जो पैर होते हैं, थाइज, उसके अंदर वाला पोर्शन, इनर थाइज है। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर अगर आप टच करते हैं, आप अपनी फिंगर चलाते हैं, आप टिकल करते हैं,
तो क्या है, जो आपकी फीमेल पार्टनर है, जो आपकी महिला साथी है, उसको अच्छा फील होगा, उसकी जो योनि है उसमें सूखापन नहीं रहेगा, उसकी योनि में क्या होगा, लुब्रिकेशन हो जाएगा, गीलापन हो जाएगा, तो उससे जो आपकी संबंध बनाने की प्रक्रिया है वो भी आसान हो जाएगी और आप दोनों को संतुष्ट और अच्छा फील होगा। ओके, तो ये कुछ पार्ट्स थे, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि हर एक जो लेडी होती है, हर एक जो महिला होती है, उसके अंदर हर एक पार्ट में स्टिमुलेशन नहीं होती, तो अपनी वाली पार्टनर को आपको देखना है कि कहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे उनको अच्छा फील होता है, जहाँ पे उनको स्टिमुलेटिंग फील होता है, तो वहीं पे वही चीज़ आप यूज़ कीजिए और अपनी जो प्रक्रिया है, अपना जो बॉन्ड है उसको अच्छा बनाइए, राइट। तो ये पार्ट्स की बात हो गई, उसके बाद हम बात करेंगे आफ्टर प्ले की भी। अभी हम बात कर रहे थे फोर प्ले की। सबसे पहले फोर प्ले किया, उसमें किसिंग, हगिंग, ये जो स्टिमुलेटिंग पार्ट है वो यूज़ किया, बातें की, ठीक है, ये सब कुछ किया आपने। उसके बाद आपने जो आपकी प्रक्रिया थी, जो आपने संबंध बनाया, वो चीज़ें की। उसके बाद आती है आफ्टर प्ले की बात। आफ्टर प्ले में आप क्या कर सकते हैं कि संबंध बनाने के बाद, उसके बाद आपको क्या करना है, आप किस कर सकते हैं, आप हग कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, कोई भी बातचीत वो हो सकती है, आप अपनी फीमेल पार्टनर को ऐसा फील करवा सकते हैं कि आप, मतलब आपकी कुछ अस्तित्व है मेरी ज़िंदगी में और आप मुझे अच्छी लगती हैं, ये चीज़ें। ओके, ये आप कर सकते हैं उस टाइम पे। अब इससे क्या होगा, फोर प्ले का तो मतलब समझ में आता है कि मतलब अराउजल के लिए चाहिए और इसलिए चाहिए कि जो योनि वाला पार्ट है वो लुब्रिकेटेड हो, जो प्रक्रिया है वो अच्छी हो। बाद में क्या करना है, बाद में ये है कि जो आपका बॉन्ड है वो बहुत अच्छा हो। ओके, सिर्फ ये एक फिजिकल रिलेशन नहीं होता, इसमें मेंटली इमोशनली भी आप लोग जुड़े होते हैं, तो वो जो उसका साथ है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में, इसीलिए फोर प्ले के साथ साथ आफ्टर प्ले भी ज़रूरी है। ओके, तो ये कुछ बातें थी आपकी संबंध बनाने की प्रक्रिया को आसान करने की और बहुत अच्छा करने की। तो होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के बारे में बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था, तो ही मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपने क्या सीखा।